एक खटाक पेशकश। यशवंत व्यास के लिखी कवि की मनोहर कहानियां को पावर्ड बाय बीमा गराज सुना रहे हैं विजय कश्यप। किस्सा नंबर 25। कवि के भी बेटे होते हैं। कवि के बेटे भी बाकी के बेटों की तरह नालायक, होनहार, पीएचडी या ड्रॉप आउट, गन्ने या वाक्यपटु, जहीन या उद्दंड, सुदर्शन या आवारा हो सकते हैं। बाकी बापों की तरह कवि भी बेटों के भविष्य की चिंता कर सकता है। कवि ने तय किया चाहे जो हो जाए वो बेटों को कवि बनाएगा। बेटे आदमी बनना चाहते थे, कवि और बेटों में ठन गई। आदमी बड़ा कि कवि, बेटे कहें आदमी, कवि कहे कवि, बेटे कहें जीने दो, कवि कहे वसीयत से बाहर कर दूंगा। ठनी तो बस ठनती चली गई। बेटे विद्रोह कर आम जनता से मिल गए। कवि आदमियों की भीड़ में अपने बेटे ढूंढ रहा है। शक में जिसके कंधे पर हाथ पड़ता है, देखो तो वही आम आदमी निकलता है। कवि का जन्म अकारथ गया, अब देश का क्या होगा? कवि तो आदमी होने से ना। खटाक पॉडकास्ट को पावर्ड बाय बीमा गराज। डाउनलोड करें बीमा गराज की हॉबनॉब ऐप और घर बैठे पाएं अपने क्लेम्स की सारी झंझटों से छुटकारा। बीमा गराज के साथ अब आसान है।